नमस्कार, आप देख रहे हैं नेसेस पिक्चर और मैं हूं आपके साथ प्रीति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हर सामान के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों की अनदेखी करने पर आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। मान्यता है कि घर में वास्तु दोष होने पर आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों समेत पारिवारिक कलह तक का सामना करना पड़ता है। उसी तरह अपने घर में पड़े उल्टे सीधे जूते चप्पलों को लेकर अक्सर बड़े टोकते हुए सुना होगा। ज़्यादातर घरों में जूते चप्पल को कमरे के बाहर उतार कर ही रखे जाने का रिवाज है। आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में जूते चप्पलों को लेकर क्या नियम है। वास्तुकारों का कहना है कि घर में कभी भी जूते को उल्टा नहीं रखना चाहिए। जिस घर में जूते चप्पल बिखर रहते हैं वहाँ शनि का अशुभ प्रभाव रहता है। ऐसी मान्यता है कि शनि का संबंध पैर से भी होता है। ऐसे में पैरों से संबंध रखने वाली वस्तुओं से उचित तो और सही स्थान पर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर अव्यवस्थित ढंग से जूते चप्पल रखने से निगेटिव एनर्जी सक्रिय हो जाती है। ऐसे में जूते चप्पल को हमेशा किसी कोने में व्यवस्थित रूप से रखनी चाहिए। वास्तु के मुताबिक हमेशा इस्तेमाल में आने वाले जूते चप्पलों को पश्चिम दिशा में व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। पुराने जूते चप्पल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा जूते चप्पल के प्रयोग को कभी भी पूजा घर या किचन की दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, घर की पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या आग्नेय कोण पर और ईशान कोण में जूते चप्पल की रेक या अलमारी नहीं बनवानी चाहिए। इसके लिए उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की दिशा सही मानी गई है।